गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, हीट। चैप्टर नंबर 4, हीट। डन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। इन चैप्टर 3 यू लर्न द वूलन क्लोथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। चैप्टर नंबर 3 में हमने डिफरेंट टाइप के फैब्रिक डिस्कस किए थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ हम जिसमें से बनाते हैं, ठीक है। एनिमल फाइबर्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। अब जो कॉटन क्लोथ्स है वो प्लांट फाइबर में से हमें ऑब्टेन होता है। वी वेयर अ वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट कोल्ड आउटसाइड। अब हम वूलन क्लोथ कब पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स है वो कब हम पहनते हैं, तो जब भी विंटर, ठीक है, कौन सा सीज़न होगा, विंटर अगर होगा तब हम क्या करते हैं, तो वुलन के क्लोथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड मीन्स एटमॉस्फेयर में क्या है, कोल्ड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, इसीलिए हम वार्म वुलन के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि वुलन के जो कपड़े हैं, क्लोथ है, वो हमें क्या कर रहा है, तो वार्म रखता है हमारी बॉडी को, क्या करेगा वो, वार्म, गर्म रखेगा, ठीक है, गर्म रखेगा। वुलन क्लोथ इज कीप अस वार्म। वी प्रीफर टू वेयर अ लाइट कलर कॉटन क्लोथ व्हेन इट इज हॉट। समर में हम कॉटन के जो क्लोथ होते हैं उसको प्रीफर करते हैं एज अ वेयरिंग, ठीक है, पहनने के लिए। कौन से हम सूटेबल होंगे हमारे बॉडी को समर में, तो कॉटन के क्लोथ। क्यों, क्यों लाइट कलर और लाइट वेट, और कॉटन के क्लोथ होंगे वो क्या होंगे, तो हमें कूलनेस, अगर आउटसाइड क्या है, हॉट है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, तो वो हमें क्या करेगा, थोड़ा सा ठंडा रखेगा। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, वो हमें थोड़ा सा फील करवाएगा कूलनेस का। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीज़न। हमें थोड़ा सा वंडर होना चाहिए, क्योंकि हर एक सीज़न के लिए अलग अलग कपड़े हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। अगर विंटर में हमें हाउस के अंदर कोल्ड ज़्यादा लग रही है, ठीक है, ठंड ज़्यादा लग रही है, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अगर आप सनलाइट के नीचे आके बैठोगे तो आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। अगर आप घर के अंदर भी होंगे फिर भी आपको क्या होगा, तो ज़्यादा गर्मी लगेगी इन समर में। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि वेदर है आउटसाइड या इनसाइड, वो हॉट है या कोल्ड है, मतलब कि हम किस कैसे फाइंड करेंगे कि गर्मी ज़्यादा हो रही है या तो ठंड लग रही है। हाउ डू वी फाइंड आउट द हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ है या तो ऑब्जेक्ट है, वो हॉट है या कोल्ड है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के आंसर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ईजिली हमें क्वेश्चन का आंसर तो पता है कि अगर हम किसी चीज़ को टच करेंगे, हाथ में पकड़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ठंडा है या गर्म है। पर सारी चीज़ें थोड़ी हाथ में पकड़ी जाती है, हाथ जल जाएगा ना उससे। तो सपोज़ ये गर्म ज़्यादा है, कोई मान लो कि आयरन का रॉड है, ठीक है, वो बहुत टाइम से क्या सनलाइट में पड़ा है बाहर समर में, और उसको अगर हम पकड़ने जाएंगे हाथ से, तो हमारा हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीमली हॉट हो गया होगा। समझ में आ रहा है। चलो 4.1 हॉट एंड कोल्ड किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट और सम ऑफ देम आर कोल्ड, ठीक है। टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज अ कोल्ड, मोस्ट ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज यूजली कॉमनली इन टेबल 4.1। मेक दिस ऑब्जेक्ट एज अ हॉट एंड कोल्ड। चलो आइसक्रीम है, कोल्ड होगी या हॉट होगी, तो कोल्ड। स्पून इन अ टी कप, टी कप में अगर स्पून डालिए वो कैसी हो जाएगी, तो हॉट हो जाएगी। फ्रूट जूस है वो कैसा होगा, तो कोल्ड होगा। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन वो कैसा होगा, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन तो वो कोल्ड होगा, वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो हम फ्राइंग पैन पकड़ पाते हैं, वरना हॉट होता थोड़ी पकड़ पाते,
समझ में आ रहा है? डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाई हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्टोव. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. जो ज़्यादा गर्म है उसे हमें टच नहीं करना है. बी केयरफुल वाई हैंडलिंग अ कैंडल. कैंडल की फ्लेम अगर चल रही है तो कैंडल को हमें केयरफुल से हमें क्या करना है, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रखना है. या तो स्टोव स्टार्ट है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो उसे नहीं पकड़ना है हमें. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं वो कोल्ड है और कई ऐसे हैं जो हॉट है. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर. कई ऐसे भी होते हैं कि जो कोल्ड होते हैं तो कई दूसरी चीज़ों से ज़्यादा कोल्ड होते हैं, तो दूसरी चीज़ों के कंपेरिजन में ज़्यादा हॉट भी होते हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर. किस तरह से डिसाइड करेंगे? तो कंपेरिजन हम कर सकते हैं ना. दो चीज़ हमारे पास पड़ी है तो दोनों चीज़ों में से कौन सा ज़्यादा हॉट है, कौन सा कम हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा गर्म है और कौन सा ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा कोल्ड है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. चलो एक्टिविटी 4.1 से हम डिसाइड करेंगे. टेक अ 3 स्मॉल टब कंटेनर, लेबल ए बी सी डी. पुट अ कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, हॉट वाटर इन कंटेनर बी. ठीक है, कंटेनर ए में हॉट कोल्ड वाटर रखना है, कंटेनर बी में हॉट वाटर रखना है और कंटेनर सी में नॉर्मल वाटर रखना है हमें, मिक्सअप करके कोल्ड और हॉट दोनों. नाउ डीप योर हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इज कंटेनर बी. लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में आपको डीप करना है और राइट हैंड को कंटेनर बी में डीप करना है. After keeping the hand in two container of 2 or 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. एक बार आपको left hand container A में डालना है, right hand container B में. Then 2 or 3 minutes के बाद दोनों हाथ को आपको container C में डालना है. So, after keeping the hands in two container, put both the container hands simultaneously in container C. Do both the hand get the same feeling? दोनों हाथ में आपको सेम फीलिंग, मतलब कि सेम फील होगा? तो नहीं. आंसर क्या आ जाएगा? नो. माय लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन मग सी इज हॉट. लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड हमने कौन से कंटेनर में डाला था? तो कोल्ड वाटर में डाला था. समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड हमने कोल्ड वाटर के कंटेनर में डाला था. देन आफ्टर उसको हमने मिक्स सी कंटेनर में डाला तो वो जो लेफ्ट हैंड है हमें वो पानी कैसा लगेगा? गर्म फील होगा. ठीक है, वो वार्म फील होगा. एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज कोल्ड. दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए. जो हाथ हमने कोल्ड वाटर में डाला था वो अगर कंटेनर सी में हम डाल रहे हैं तो हमें वाटर कैसा लग रहा है? वार्म लग रहा है. और राइट हैंड हमने वार्म वाटर में डाला था तो वो हाथ हमने कंटेनर सी में डाला तो वो जो कंटेनर सी में वाटर है वो हमें कोल्ड लग रहा है. क्यों? तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? तो वन टाइप ऑफ मेजरमेंट. किसका मेजरमेंट है? तो कोल्डनेस और हॉटनेस मेज़र करने का पैरामीटर है. टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज़ अ वन टाइप ऑफ पैरामीटर टू मेजर कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है? ठीक है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज. कितना हॉट है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? रिलायबल मेजर ऑफ दिस हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. हम किस बेस पे हम बोल सकते हैं कि रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, कितना गर्म है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम कौन से मेज़र से बोल सकते हैं? तो टेम्परेचर की मेज़रमेंट के थ्रू हम बोल सकते हैं. टेम्परेचर इज़ मेज़र बाय डिवाइस. टेम्परेचर जो भी डिवाइस से हम मेज़र करते हैं उस डिवाइस को हम थर्मोमीटर बोलते हैं. ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं. चलो यहाँ पे 4.2 फिगर में आपको एक थर्मोमीटर की क्या है फिगर दी है. कौन सा थर्मोमीटर है? क्लिनिकल थर्मोमीटर. चलो यहाँ पे कौन सा थर्मोमीटर है? क्लिनिकल. अब यहाँ पे देख लो, थर्मोमीटर के भी दो टाइप्स होते हैं बेटा.
थर्मोमीटर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, और लेबोरेटरी में जो यूज़ होते हैं मतलब कि कोई केमिकल लैब है ठीक है, वहाँ पे जो थर्मोमीटर यूज़ होते हैं वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या है, तो साइज़ का एक तो डिफरेंस है। ठीक है, साइज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर की क्या होती है, स्मॉल होती है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसकी बड़ी होती है। उसके पैरामीटर्स मतलब कि नंबर ऑफ टेम्परेचर ठीक है मेजर करने की जो कैपेसिटी होती है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो हमें क्या करना है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ही मेजर करना होता है, और बॉडी टेम्परेचर हमें पता है कितना होगा, 37 से लेके 45 तक। अगर ज़्यादा बुखार है हमें, फीवर है, तो हमारा फीवर है वो अगर हम मेजर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 37, 38, 40 ठीक है, वहाँ तक ही हमें मिलेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, और जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो वहाँ पे तो टेम्परेचर हमें 200 के आसपास उसको रेज करना पड़ता है। लेबोरेटरी में अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वहाँ पे टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेल्सियस तक भी लेना पड़ता है, इसलिए वहाँ के जो थर्मोमीटर होते हैं वो साइज़ में भी बड़े होते हैं और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, डन। सो चलो, अच्छा, द क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है, लॉन्ग मीन्स स्मॉल साइज, नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, अच्छे से ग्लास ट्यूब के अंदर उसको फिलअप किया होता है, फिट किया। इट हैज़ अ बल्ब एट द वन एंड, एक एंड में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके दो एंड होते हैं ठीक है, वो सिलेंड्रिकल टाइप है ना, तो वन एंड के ऊपर क्या होता है, एक बल्ब होता है, दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, उस बल्ब के अंदर क्या है, मर्क्यूरी नाम का एलिमेंट प्रेजेंट होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनी थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, हम आउटसाइड द बल्ब द स्मॉल शाइनी थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। अभी देखो यहाँ पे जूम करके दिखाया है तो बीच में जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है ना वो क्या है, मर्क्यूरी है, एलिमेंट है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर एट बी टिल यू सी इट, हम थोड़ा रोटेट करके भी उसको देख सकते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मोमीटर, आप थर्मोमीटर पे स्केल भी फाइंड कर सकते हैं, किस तरह 36, 37, नीचे 8 and 10, इस तरह से हमें स्केल भी दिए होंगे। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री ऑफ सेल्सियस, स्केल को हम कौन से यूनिट से मेजर करते हैं, तो सेल्सियस स्केल से मेजर करते हैं, तो उसको इंडिकेट किस तरह से करते हैं, डिग्री सेल्सियस, देखो राउंड है उसे डिग्री बोलते हैं और सी मीन्स सेल्सियस ठीक है, डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया, डन। चलो, द क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो उसका जो रीडिंग है मतलब कि उसका टेम्परेचर किसके आसपास होना चाहिए, तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ठीक है, उसका जो मेजरमेंट का रेशियो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया। ठीक है, डन। सो वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर एक्टिविटी 4.2, सो वी विल मीट टुमारो, थैंक यू।